चंद्रलाल व्यक्ति हमारे किसी भी परिवार के साथ मिलने नहीं। जब हमारे भाई की तबीयत खराब थी तो हमें कोरोना के नाम पर नहीं मिलने दिया गया। एक चंडाल व्यक्ति था जिसने हमें मिलने से रोका। यह बातें जो है वो चिराग पासवान के चचा पशुपति पारस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चंडाल व्यक्ति हमारे किसी भी परिवार के साथ मिलने नहीं। ये सबसे बड़ी दुखद घटना। अंतिम समय में पासवान जी खोलते रहे, पारस कहाँ है, प्रिंस कहाँ है, घर के तमाम लोगों को खोलते रहे, लेकिन इन लोगों ने बहाना किया कोरोना के नाम पर और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को मिलने नहीं। और उनसे कहा कि आपके घर में मेरे को साथियों, ईश्वर साक्षी है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो आपने सुना चिराग पासवान के चचा पारस किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे थे और चिराग पासवान को चंडाल कहकर संबोधित करते हुए देखे गए। आपको हम बता दें कि चिराग पासवान जो चचा पारस थे वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनको जो है एनडीए से बेदखल कर दिया गया है। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो कभी एनडीए के हिस्सा थे ही नहीं, अगर होते तो लोकसभा चुनाव में उनका कभी भागीदारी दिखी होती, लेकिन उनका भागीदारी कहीं नहीं दिखा और विधानसभा में उनके नाम के चर्चे जो है वो कहीं नहीं हो रहे हैं। आपको हम बता दें कि इसी सब चीजों को लेकर जो चाचा पारस है काफी नाराज है चिराग पासवान से। चिराग पासवान ने उनका कार्यालय तक जो है वो छीन लिया है। आपको हम बता दें कि चिराग पासवान को लेकर के काफी ज्यादा आक्रोश जो है वो चाचा पारस में देखने के लिए मिला और काफी ज्यादा जो है वो अपने भाई से प्रेम की घनिष्ठता की बातें बता रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने कहा कि एक चंडाल ने हमें हमारे भाई से अंतिम समय में नहीं मिलने दिया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।